पॉलिटिकल पावर अपना इन्होंने इन्हों जो है वो स्टार्ट कर दिया थ्रू बैटल ऑफ इन 1757 इन्होंने बैटल ऑफ पलासी जीती, उसके फिर बैटल ऑफ बक्सर जो है इन्होंने बैटल ऑफ बक्सर जो है 1764 में जब की तो उसके बाद तो इनकी पैरामाउंट पावर जो है यहां पे एस्टेब्लिश हो गई ओके okay? और जो मेन फिगर जो यहां पे गवर्नर ऑफ बंगाल जो उस टाइम थे जो उभर के आए ही वो जी रॉबर्ट क्लाइव वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रॉबर्ट क्लाइव ने बैटल ऑफ पलासी में जबरदस्त अपना मतलब जो दिखाया ठीक है प्रदर्शन एंड ही डिड लाइक वेरी गुड फॉर ब्रिटिश और रॉबर्ट क्लाइव को जो है उसने क्या किया फिर रॉबर्ट क्लाइव ने अब 1764 में बैटल ऑफ बक्सर जो है जीत चुके थे फिर 65 से 72 का जो टाइम पीरियड था इसमें जो है डुअल गवर्नमेंट स्टार्ट की स्टार्टेड बाय रॉबर्ट क्लाइव डुअल गवर्नमेंट का मतलब क्या हो गया कि एक तरफ जो है सिस्टम जो है रूल करेगा कंपनी का वन वॉज कंपनी एंड अनदर वॉज निज़ाम एंड अनदर वाज सॉरी नवाब एंड द अदर वॉज नवाब ऑफ बंगाल ठीक है एक हो गया जी कंपनी का रूल और एक तरफ हो गया नवाब का रूल ये डुअल गवर्नमेंट जो थी ठीक है ये स्टार्ट हुई जो कि डोअल गवर्नमेंट जो है कॉमन लोगों के लिए लोकल पीपल ऑफ बंगाल के लिए इतनी अच्छी साबित नहीं हुई सारा अपना सारे अपना अपना प्रॉफिट देख रहे थे लोकल लोगों को कोई भी सभी नजरअंदाज कर रहे थे नोबडी वाज केयरिंग कैरिंग अबाउट कि क्या हो रहा है ठीक है ग्राउंड लेवल पे उसके बाद हमने बात की कि ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया इन द लास्ट लेक्चर वी द गवर्नर जनरल्स ऑफ बंगाल बेसिकली ठीक है ये सारे गवर्नर जनरल्स ऑफ बंगाल थे जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए कि बंगाल एरिया में कि क, क, जो गवर्नर जनरल्स थे हमने वो डिस्कस किया तो वैरन द फर्स्ट बीइंग वैर हेस्टिंग ठीक है इनको क्विक हम रिविजन दे देते हैं कि हमने जो भी जितने भी हमने गवर्नर जनरल्स डिस्कस किए इनकी हम क्विक रिविजन जो है वो कर लेते हैं तो सबसे पहले हमने जो गवर्नर जनरल डिस्कस किया वो इज द फर्स्ट गवर्नर देखिए रॉबर्ट क्लाइव जो है सेवेंटी तक थे ठीक है उसके बाद ये वापस चले गए थे ब्रिटेन और

एंड ही डिड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक उनको याद रखना वैसे ही इंपॉर्टेंट है वेरन हेस्टिंग को क्योंकि वो फर्स्ट गवर्नर जनरल थे तो फर्स्ट गवर्नर जनरल है तो वैसे ही इंपॉर्टेंट हो जाता है और जो डूअल जो गवर्नमेंट थी जो रॉबर्ट क्लाइव ने स्टार्ट की थी डूअल गवर्नमेंट को अबॉलिश कर दिया ठीक है वैरन हेस्टिंग ने खत्म कर दिया डूअल गवर्नमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को ओके आफ्टर दैट अगेन ही डिड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जैसे कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बनाई जो भग, आ, हमारी श्रीमद् भागवत गीता है ठीक है उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन जो है वो चार्ल्स विल्किन ने लिखी इनकेट एन ऑर पर उसकी जो इंट्रोडक्शन है वो तो खुद वेरन हेस्टिंग ने लिखी राइट तो ये सब जो है किया वैरन हेस्टिंग के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट रेवेन्यू कलेक्शन का बड़ा इंपॉर्टेंट जो है फेज जो है स्टार्ट किया रेवेन्यू कलेक्शन का वेर एन हेस्टिंग है ठीक है उसने भी क्या किया पहले बिडिंग थ्रू बिडिंग उन्होंने क्या किया कि बिडिंग के थ्रू जो है जो भी लैंड है या जमीन है वो दी जाती थी जमींदार को ठीक है फॉर फाइव इयर्स उसके बाद फिर वो वन ईयर कर दी ये मैंने डिस्कस किया है लास्ट लेक्चर में सारा तो ये सब हुआ था वैरन हेस्टिंग के टाइम पे ओके वैरन हेस्टिंग के बाद जो इंपॉर्टेंट देखो यहाँ पे मैं सिर्फ रिविजन में खाली आपको जो इंपॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट हैं जिनके टे, टेन्योर में कुछ हुआ है गवर्नर जनरल उनका बता रही हूँ तो नेक्स्ट आए जी लॉर्ड कॉन ठीक है कॉड लॉर्ड कॉर्नवालिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 1786 से लेके 1793 तक जो है लॉर्ड कॉन्वि कॉर्नवॉलिस का जो है टाइम पीरियड रहा ठीक है लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है उनका इंपॉर्टेंट ये उनमें सबसे इंपॉर्टेंट ये रहा कि उनको फादर ऑफ सिविल सर्विसेज कहा जाता है सिविल सर्विसेज ओके okay, जो है ही स्टार्टेड या इंट्रोडक्शन जो है सिविल सर्विसेज की जो है वो कॉर्नवालिस ने की थी उसके बाद जो इंपॉर्टेंट एक चीज आ जाती है कॉर्नवालिस के अंदर वो है परमानेंट सेटलमेंट क्या आ जाती है परमानेंट सेटलमेंट और जमींदारी सिस्टम जिसको कह सकते हैं क्या कह सकते हैं जमींदारी सिस्टम इस जमींदारी सिस्टम में क्या है जैसे कि वैरन हैस्टिंग ने क्या किया था जो बिडिंग है या जो ऑप्शन है लैंड की जमींदार्स बताते थे कि भाई हम इतना रेवेन्यू जो है आपको जनरेट करके देंगे ठीक है तो कंपनी यानी इंग्लिश जो कंपनी है वो दे देती थी ये जमीन जमींदार को फॉर वन ईयर और फॉर फाइव ईयर जैसे हमने किया कि पहले पाँच साल के लिए हुआ फिर लेटर ऑन रिड्यूस टू वन ईयर ओके क्योंकि वो रेवेन्यू जो है आ नहीं रहा था सही तरीके से कोई रेवेन्यू देता था कोई नहीं देता था जमींदार तो इस तरीके से था फिर जो कॉर्नवालिस है उसके टाइम उसने क्या किया कि परमानेंट सेटलमेंट जो है जमींदारी सिस्टम जो है वो लाई इस जमींदारी सिस्टम में क्या था कि परमानेंटली ही जमीन जो है एक जमींदार को दे दी जिस जमींदार ने सबसे ज्यादा बिडिंग की उसको दे दी ठीक है और फिर उसको काफी ज्यादा जमींदार को पावर दे दी कि भाई तुम ये हेरिडिटी है तुम्हारी जमीन अपने बेटे को दे सकते हो ये हेरिडिटी है किसी को ट्रांसफर कर सकते हो ये जमीन तुम किसी को सेल कर सकते हो जब तक हमें रेवेन्यू आता रहे तब तक रेवेन्यू जब तक आ रहा है तब तक वो जमीन जमींदार की ही है जब एक बार रेवेन्यू आना बंद हो गया तो वो जमींदार जो जमीन है वो अपने आप जमींदार से वापस ले ली जाएगी थ्रू इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी

अलायंस ना वट वॉज दिस सब्जी अलायंस इन शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको लेमन लैंग्वेज में बताता हूं सब्जी अलायंस में यह था कि भाई आप ब्रिटिश आर्मी को आ, 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 मतलब उस पर लीज पे या हायर पे ले सकते हो ठीक है ओके यू कैन हायर या रेंट पे ले सकते हो किस क्या ब्रिटिश आर्मी तो भाई आइए और ब्रिटिश आर्मी जो है रेंट पे ले जाइए अपनी रीजन में रखिए अपने प्रिंसली स्टेट में रखिए तो आप अपनी दुश्मनों के साथ लड़ेंगे तो आप क्या कर सकते हो कोई वॉर होगी कोई बैटल होगी बाकी जो रिजन्स हैं या जो स्टेट्स जो प्रिंसली स्टेट्स थी उनको कहा कि भाई आप हमारी आर्मी ले जाइए ब्रिटिश आर्मी ले जाइए रेंट पे उसके बदले आप हमें पैसे दे सकते हैं

तो ये आ, सब हमने किया था ओके ऑल राइट तो नेक्स्ट जो है जो गवर्नर जनरल हमने पढ़ देखिए ये इंपॉर्टेंट बीच में इंपॉर्टेंट वॉर्स भी हुई मैंने आपको बताया कि जो वॉर्स या बैटल्स हैं व्हाट आई डू इज कि जो भी वॉर्स या बैटल्स हैं ना उनकी आई फॉर्म अ टेबल टेब्युलर फॉर्म में कि, कि किस किस के बीच में वो वॉर हुई थी कब हुई थी और उनकी फिर एंड ट्रीटी क्या रही ठीक है वो सब टेब्युलर फॉर्म में क्योंकि वॉर्स जो है काफी कंफ्यूजिंग लगेगी आपको ठीक है एंग्लो मेन जो वॉर्स या बैटल्स रही ठीक है दे वर जैसे मराठास के साथ वॉर हुई जो पावरफुल किंगडम्स जो थे मराठास के साथ जो है पेशवास थे ठीक है उनके साथ वॉर रही एंग्लो ब्रिटिश की ठीक है फिर मायसूर किंगडम जो था हैदर अली का फिर उसके बाद उनके बेटे टीपू सुल्तान का ठीक है तो मैसूर के साथ काफ़ी ज़्यादा वॉर्स रही ब्रिटिश की ठीक है और मराठाज की और उसके बाद सिक्स के साथ वॉर हुई ठीक है एंग्लो सिख वॉर हुई ठीक है एंग्लो खैर एंग्लो अफगान वॉर्स भी हुई एंग्लो बर्मीज वॉर भी हुई लेकिन वो इंडिया की मतलब इंडिया इंडिया की वॉर्स नहीं है वो ठीक है बट आई विल मेक अ टेबल एक एक टेबल बना के इसकी कि किस किस के वॉर के बीच में वॉर हुई थी कब कब हुई थी और उनकी फिर फाइनली जो ट्रीटीज हैं या जो कंक्लूजन है वो वॉर का क्या निकला आई एल मेक अ टेबल एंड आई गिव इट टू यू इन पीडीएफ फॉर्म आई एल डिस्कस इट थी थोड़ा सा डिस्कस करके आई गिव इट टू यू इन पीडीएफ फॉर्म तो सो दैट यू कैन रिमेंबर ठीक है उनमें एग्जाम में यही क्वेश्चन सकता है कि कौन सी बार कब हुई थी किस किसके बीच में हुई थी इंपॉर्टेंट बंदे उनमें कौन कौन से थे जो इन्वॉल्व थे बैटल्स के में या वॉर्स में ओके okay? ऑलराइट right. तो ये है उसके बाद जी आ जाते हैं हम नेक्स्ट जो हमारे गवर्नर जनरल हैं दैट इज जॉर्ज बार्लो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जॉर्ज बार्लो 1805 से 1807 फॉर टू इयर्स ठीक है उसकी जो रेन था वो था इसमें इंपॉर्टेंट बस यही हुआ कि म्यूटनी ऑफ विलोर हुई नीटीन हंड्रेड ये भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से म्यूटना विलोर में क्या हुआ था मैड्रास प्रेजिडेंसी में बेसिकली उनके कमांडर इन चीफ थे उन्होंने क्या कहा कि इंडियन सोल्जर्स थे उनमें हिंदूज भी थे मुस्लिम भी थे है ना तो हिंदूज और मुस्लिम्स के आ, मतलब कि उनके रिलीजन के ऊपर बेसिकली इसने थोड़ा सा कमांडर इन चीफ ने थोड़ा सा वो डाला उसने कहा कि जो हिंदूज हैं सपोज छोटी सी एग्जांपल जैसे हिंदूज हैं सपोज वो तिलक नहीं लगाएंगे या मुस्लिम्स हैं वो क्लीन शेव बियर्ड नहीं रखेंगे राइट तो इन चीज़ों से क्या हुआ ये जो सोल्जर्स थे दे वर वेरी मच अनॉयड विद द कमांडर इन चीफ और उसकी वजह से उन्होंने क्या किया एक टाइप की एक ही दे किल्ड एक्चुअली जो सोल्जर्स हैं ये मिलकर इन्होंने क्या किया दे किल्ड ऑलमोस्ट फोर्टीन टू फिफ्टीन ब्रिटिश आर्मी मैन तो उस, उसके रिटेलिएशन में जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने तो तीन सौ सोल्जर्स जो है इंडियन मार आ, मार दिए गए थे तो तो ये म्यूटनी ऑफ विलोर हुई थी नेटेंडर सिक्स उसके बाद ये म्यूटनी जो है ये बंद हो गई ऑब्वियसली ठीक है तो ये इंपॉर्टेंट हुआ था और इसमें कुछ खास है नहीं ठीक है उसके बाद आ जाते हैं लॉर्ड मिंटो लॉर्ड मिंटो वन इन 1807 टू 1813 लॉर्ड मिंटो वन के टेन्योर में सबसे इंपॉर्टेंट हुआ कि चार्टर एक्ट आया एटीन का वेरी इंपॉर्टेंट चार्टर एक्ट ऑफ एटीन थर्टीन वॉज पास ओके देखिए चार्टर मेन इंपॉर्टेंट चार्टर एक्ट ऑफ एटीन थर्टीन में ये था कि जो मोनोपली थी जो मोनोपली थी ईस्ट इंडिया कंपनी की ठीक है टू ट्रेड इन इंडिया दैट वॉज एबॉलिश्ड और स्क्रैप्ड ठीक है जो देखिए इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपली थी कि वो इंडिया में ट्रेड कर सकते हैं और कोई भी कंपनी और कोई भी दूसरी कंपनी ब्रिटेन से ब्रिटिश से यहाँ इंडिया नहीं आएगी ट्रेड करने के लिए ऐसा ही था पहले ठीक है लेकिन चार्टर एक्ट ऑफ एटीन थर्टीन ने क्या किया कि ये जो ट्रेड मोनोपली थी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की उसको खत्म कर दिया ठीक है तो यानी कि बाकी ब्रिटिश कंपनीज जो है वो भी इंडिया में आकर ट्रेड कर सकती थी अब आ, आफ्टर चार्टर एक्ट ऑफ एटीन थर्टीन तो ये सबसे इंपॉर्टेंट था उसके बाद ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन हुई ट्रीटी ऑफ अमृतसर विद महाराजा रंजीत सिंह इन एटीन वेरी इंपॉर्टेंट फिगर महाराजा रंजीत सिंह वेरी पावरफुल इन एटीन में ये जो है ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन हुई थी इस ट्रीटी में बेसिकली क्या था ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो साइन हुई थी बिटवीन महाराजा रंजीत सिंह एटीड नाइन इसमें एक ये हुआ फाइनल महाराजा रणजीत सिंह में और ब्रिटिशर और इनमें ठीक है लॉर्ड मिंटो में लॉर्ड मिंटो में और महाराजा रणजीत सिंह में ये ट्रीटी साइन हुई कि देखिए जो उस टाइम पे क्या था जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया था ना वो सारा महाराजा रणजीत सिंह के अंडर था सारा नॉर्थ वेस्ट इंडिया जो है महाराजा रणजीत सिंह के अंडर था कैपिटल बींग इन लाहौर तो वेरी इंपॉर्टेंट तो अब क्या हुआ ब्रिटिशर्स ने क्या कहा कि भाई जो सतलुज है बेसिकली ये था इस सीटी में कि जो सतलुज रिवर है ना उसको एक टाइप की आप कह सकते हो एक बाउंड्री बना दी ठीक है सतलुज को सतलुज रिवर को एक टाइप की बाउंड्री बना दी बॉर्डर बना दी आप कह सकते हो सतलुज रिवर को और ब्रिटिशर्स ने कहा कि जो ये सतलुज का जो साउथ वाला एरिया है यहां पे हम राज करेंगे ब्रिटिश आप यहां नहीं आओगे और हम नॉर्थ वाले एरिया में नहीं आएंगे ये ठीक है मिंटो ने कहा रंजीत सिंह को कि जो सतलुज का जो एरिया है नॉर्थ वाला वहां हम नहीं आएंगे वहां आप रूल करो जो साउथ वाला एरिया वहां पे हम रूल करेंगे तो ऐसा ही था भी ठीक है जो नीचे वाला जो एरिया था आप कह सकते हो सारा बंगाल उसके बाद सारा मद्रास बॉम्बे इनफैक्ट मैसूर ये सारा आ चुका था ब्रिटिश के अंडर तो उन्होंने कहा कि भाई हमें जो है इंटरेस्ट नहीं है आप नॉर्थ वेस्ट में आप चले जाओ और बाकी एरिया जो है मैं हम चले जाएंगे तो ये जो है ये महाराजा रंजीत सिंह के साथ सतलुज की ड्रिटी हुई थी ठीक है और भी बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन था इसमें क्योंकि नेपोलियन का डर था नेपोलियन ने नॉर्थ वेस्ट नेपोलियन जो है वो ब्रिटिश जो है वो डर रहे थे नेपोलियन से नेपोलियन उस टाइम पर पूरे यूरोप यूरोपे कब्जा कर चुका था ब्रिटिश को लग रहा था कि भाई ये जो है नेपोलियन ये अब इंडिया में भी आ जाएगा एंट्री मारेगा तो हम हमें इससे खतरा है तो वो इंडिया में एंट्री कहां से मारेगा नॉर्थ वेस्ट रीजन से ही मारेगा तो ब्रिटिशर्स ने सोचा कि हम ट्रिटी साइन कर लेते हैं महाराजा रंजीत सिंह के साथ अगर नेपोलियन आया भी नॉर्थ वेस्ट से आएगा तो पहले तो महाराजा रंजीत सिंह के साथ ही उसको सामना करना पड़ेगा हम तो बाद में आएंगे तो ये भी एक वन ऑफ द रीजन वॉज दिस ट्रिटी ऑफ अमृतसर वॉज साइंड ओके तो चलिए ये रीजन था ओके नेक्स्ट वॉज लॉर्ड हेस्टिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है लॉर्ड हेस्टिंग वेरी इंपॉर्टेंट है अच्छा अब लॉर्ड हेस्टिंग का जो टाइम पीरियड है दैट इज़ from 1813 to 1823. टू of all, this फर्स्ट ऑफ ऑल दिस Okay. रिमेंबर ओके अब किया क्या लॉर्ड हेस्टिंग ने इसकी जो है लॉर्ड हेस्टिंग की पॉलिसी रही एक्सपेंशन की और इंटरवेंशन की थ्रू वॉर ठीक है इंटरवेंशन थ्रू वॉर बेसिकली वॉर के थ्रू इंटरवेंशन की लॉर्ड हेस्टिंग ने काफ़ी ज्यादा और पॉलिसी जो है एक्सपेंशन की अपनाई जैसे एंग्लो नेपॉलीज वॉर हुई एटीन से एटीन में जिस इट एंडेड विद द ट्रिटी ऑफ ठीक है उसके बाद थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हुई 1819, और पिंडारी पिंडारी वॉर वॉर भी हुई ठीक है तो के बाद ही एक्चुअली कहीं पिंडारी वॉर को ही मराठा वॉर भी कहते हैं पिंडारी वॉर एक्चुअली वॉर हुई ब्रिटिश के साथ देन इट एंग्लो मराठा वॉर ऑलसो ठीक है और सबसे इंपॉर्टेंट जो है लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम पे देखिए वैरन हेस्टिंग अलग थे वारेन हेस्टिंग अलग अलग हैं याद रखिए कंफ्यूज मत हो जाएगा वैरन वाज़ द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल फ्रॉम फ्रॉम 1772-73 टू सेवनटीन ठीक है और ये लॉर्ड हेस्टिंग है ही केम इन एटीन टू एटीन ठीक है ये अलग अलग है याद रखेगा सबसे इंपॉर्टेंट लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम पे ये हुआ कि इंट्रोडक्शन ऑफ सिस्टम इन 1820 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या क्या हुआ कि ये जो जैसे जमींदारी सिस्टम था पहले, क्या था पहले जमींदारी सिस्टम और परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस किसने किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जमींदारी सिस्टम या परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम जो है कॉर्नवालिस ने लाया था उसके बाद जो नेक्स्ट सिस्टम है दैट वाज रियॉत वारी सिस्टम इंट्रोड्यूस इन एटीन ट्वेंटी था लॉर्ड हेस्टिंग का लाया किसने था ये ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर ही थे लॉर्ड म्यूनरो चार्ल्स रीड इन मेड्रास बॉम्बे एंड असम कहां पे स्टार्ट हुआ ये मेड्रास में बॉम्बे में असम में स्टार्ट हुआ लॉर्ड म्यूनरो चार्ल्स रीड ने लाया 1820 में क्या रियात वाले सिस्टम ठीक है इसमें था क्या बेसिकली रिवायत वाले सिस्टम में कि जो मिडल मैन थे ना यानी जो जमींदार थे अब क्या थे जमींदार थे जमींदार की जमीन के ऊपर काम कौन करता था फार्मर्स करते थे जमींदार जो थे फिर वो जाके जो है जो कहते हैं कि एट्टी नाइन परसेंट ऑफ शेयर जो है रेवेन्यू का वो किसको जाता था वो जाता था ब्रिटिशर्स को अंडर परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम अंडर जमींदारी सिस्टम ऐसा हुआ था ठीक है तो रियायत वाले सिस्टम में क्या हुआ कि जो मिडिल मैन जो जमींदार हैं इनको खत्म कर दिया लॉर्ड हेस्टिंग ने और डायरेक्टली किस किस के साथ अब ट्रेड होता था डायरेक्टली कल्टिवेटर्स के साथ या फार्मर्स के साथ नाउ और डायरेक्टली फार्मर्स और डायरेक्टली कल्टिवेटर्स कुड गो टू दी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी टू गिव रेवेन्यू टू देम ठीक है तो रियात वाली सिस्टम में क्या हुआ मिडिल मैन ने, ने जमींदार को ख़त्म कर दिया और डायरेक्टली फार्मर्स या कल्टिवेटर्स के साथ जो है डील होने लगी ओके okay?

1835 uh, uh, like, का uh, जो है टाइम पीरियड किसका रहा लॉर्ड विलियम बेंटिक का रहा सबसे इंपॉर्टेंट लॉर्ड विलियम बेंटिक का ये रहा कि ही डिड अवे विद दी लाइक प्रैक्टिस ऑफ विद द इल प्रैक्टिस ऑफ विद द इवल प्रैक्टिस ऑफ द सोसाइटी एट दैट टाइम विच इज विच वॉज सती ठीक है सती प्रथा को अबॉलिश किया इन 1829 में ठीक है एंड किलिंग ऑफ इन्फेंट्स किलिंग ऑफ एक्चुअली फीमेल फिटिसाइड जिस ठीक है जो गर्ल चाइल्ड है उसका पैदा होता है उसको मार दिया जाना ठीक है स्पेशली ये होता था तो राजपूत किंग्स राजपूत किंगडम्स में ऐसा किया जाता था स्पेशली वैसे तो काफी जगह पे किया जाता था राजपूत किंगडम्स में क्यों क्योंकि राजपूत जो हैं दे वर एक्चुअली वॉरियर्स ठीक है were, uh, warriors, तो वो क्षत्रियाज ए वॉरियर्स थे तो वो ऐसे ही चाहते थे कि भाई सन हो ताकि जो भी बैटल फील्ड में जाके लड़ पाए वॉरियर बन पाए ठीक है तो दैट वॉज द मेन रीजन तो प्रोहिबिशन ऑफ सती जो है वो भी जो उसके ऊपर एक्ट बनाया लॉर्ड विलियम बेंटिक ने वैसे तो सती के ऊपर काफ़ी ज्यादा काम किया गया हमारे एंशियंट टाइम्स है अगर हम दे, दे, बात करें को, आ, तो अकबर ने भी सती प्रथा को हटाने की कोशिश की उसके बाद तो जब पॉर्चुगीज आए तो उन्होंने भी सती प्रथा जब पॉर्चुगीज आए यूरोपियन जब आए यहाँ पे पॉर्चुगीज ठीक है उन्होंने भी सती प्रथा को अबॉलिश करने की कोशिश की और अपने अपने जगह पे जहां जहां पे उन्होंने छोटे छोटे किंगडम में जहां पे उन्होंने रूल किया पॉर्चुगीज़ ने वहां पे सती प्रथा को उन्होंने एबॉलिश किया भी खत्म किया भी ठीक है लेकिन एक बड़े लेवल पे एक बड़े एक बड़े लेवल पे और एक पर्टिकुलर एक एक्ट बना के एक लीगल तरीके से जो सती प्रथा को या जो सती की प्रोहिबिशन की वो की लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ये एक मतलब आप कह सकते हो इकलौते और पहले इनफैक्ट पहले ब्रिटिश थे ठीक है पहले यूरोपियन पहले ब्रिटिश थे जिन्होंने कॉमन मास्टर्स जिन्होंने सोशल प्रैक्टिसेस को जिन्होंने इवल सोशल प्रैक्टिसेस को खत्म करने की कोशिश की अदरवाइज इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ये कहती थी कि भाई हमें इनके सोशल जो इवल्स हैं या इनके रिलीजन रिलीजियस मैटर्स में या इनके सोशल मैटर में हमें नहीं पढ़ना हम यहाँ पे ट्रेड करने आए हैं हम यहाँ पे कमर्स अपना जो है वो स्टैब्लिश करने आए हैं हम यहाँ पे अपनी पॉलिटिकल एम्पायर जो है वो इस्टेब्लिश करने आए हैं हमें इनके सोशल या इनके रिलीजियस मैटर्स से कोई लेना देना नहीं है बट लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है ही केम फॉरवर्ड और उन्होंने क्या किया एबोल्यूशन ऑफ सती की और इसी इस वजह से लॉर्ड विलियम बेंटिक का काफ़ी माना जाता है he is a great personality in that regard okay <coughs> prohibition of sati he did all right ki prohibition of sati mein kya hai ki jo bhi funeral pyre hai uh, matlab ki ek uh, husband ki jab death ho jati thi jo funeral pyre hai theek hai uske sath mein जो उसकी वाइफ है उसको जिंदा जला दिया जाता था विद husband ठीक है विद फ्यूनरल पायर व्हेन हिज हस्बैंड when her husband dies ठीक है तो ये काफी evil practices थी और काफी orthodox काफी ठीक है तो ये जो प्रैक्टिस है ये किसने हटाई लॉर्ड विलियम बेंटिक ने याद रखिएगा सेंचुरी की अगर बात करें जो सती प्रथा है स्पेशली ये बंगाल में बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किया जाता था ओके एंड ही द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल तो काफी बंगाल में ये इविल प्रैक्टिस जो है की जाती थी तो इसको हटाया 1828 से आप राजा राम मोहन राय को भी याद कर रहे होंगे राइट right? तो ईयर 1828 जो है यहाँ पे इसमें जो है राजा राम मोहन राय बहुत इंपॉर्टेंट फिगर जो है हम कह सकते हैं एक इंटेलेक्ट फिगर जो है इंडियंस ठीक है इंडियंस में से ही मोहन राय में उन्होंने समाज खैर फाउंड किया था ये मैं आपको बाद में बताऊंगी अबाउट मोहन राय के बारे में तो राजा राम मोहन राय वॉज ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग इन दिस ठीक है विद लॉर्ड विलियम बैंटिक तो हमारे इंडियन की अगर मैं बात करूँ तो राजा राम मोहन राय ने काफी ज्यादा काम किया है सती सती प्रथा के लिए और लॉर्ड विलियम बैंटिक ने ठीक है तो एटीन में जो है प्रोहिबिशनल सती प्रथा लाएगी लीगली एक्चुअली इसको कर दिया गया सती प्रथा को अबॉलिश कर दिया गया ओके okay. उसके बाद और लॉर्ड विलियम ने क्या किया एलिमिनेशन ऑफ इन 1830 थगी भी कहा जाता है इसको एलिमिनेशन ऑफ देखिए क्या है कि मैंने आपको बताया कि जो ये आ, काफी आ, जो है एलिमिनेशन ऑफ ठग्स में क्या आएगा कि देखिए काफी ज्यादा इविल प्रैक्टिसेस और भी हो रही थी इविल प्रैक्टिस तो नहीं बोलूंगी मैं चोरी लूटमार ठग्स जो हैं काफी ज्यादा डकैप हैं थे ठग्स थे वो काफी ज्यादा हो गए थे और ब्रिटिशर्स जो थे ना इस टाइम पे कई ब्रिटिश जो थे वो भी ठग्स के साथ मिले हुए थे ठग्स क्या करते थे लूट लेते थे और करप्शन ड्यू टू तो करप्शन तो हर जगह होती है ठीक है तो ब्रिटिशर्स के जो कुछ एम्प्लॉयज थे उनको ये करप्ट प्रैक्टिस के अगेंस्ट वो क्या करते थे कि कुछ उनको इसके बदले कुछ पैसे वैसे दे देते थे तो ब्रिटिश एम्प्लॉयज भी चुप रहते थे और ठग्स जो हैं वो क्या करते थे लूट मचाते थे जो लोग जा रहे हैं उनको मार देते थे उनसे

तो इस वजह से एलिमिनेशन ऑफ ठग्स होगी बाकी ठग्स ठगी सिस्टम जो है ये, बंद हुआ है, और काफी ज्यादा अमेजिंग सोशल और मतलब इकोनॉमिक प्रैक्टिस जो है इंडिया में वो लॉर्ड विलियम बैंटिक ने लाईके okay? और इंपॉर्टेंट है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ मेकॉली इंग्लिश वॉज मेड मीडियम ऑफ हायर एजुकेशन इन कंट्री इंग्लिश की इंट्रोडक्शन करी देखिए

एजुकेशन को भी स्प्रेड किया एजुकेशन को कैसे जैसे कि इंग्लिश uh, जो है इट वाज मेड द मीडियम ऑफ हायर एजुकेशन इट वाज डन ऑन रिकमेंडेशन ऑफ ये याद रखिएगा चार्टर एक्ट ऑफ एटीन थर्टी थ्री वॉज पास चार्टर एक्ट ऑफ अब यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको याद रखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि चार्टर एक्ट ऑफ 1833 थर्टी थ्री उस टाइम पे आया था जिसने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया क्या बना दिया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को क्या बना दिया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हु अदर क्वेश्चन आता है हु फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल तो ही इज इज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हु इज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया सो ही इज लॉर्ड विलियम आफ्टर द एक्ट ऑफ एटीन थर्टी थ्री सो दिस यूनिट टू रिमर की चार्टर एक्ट ऑफ एटीन थर्टी थ्री जो है ये Lord William के में आया था, और मेड चार्टर एक्ट ऑफ एटीन थर्टी थ्री मेड लॉर्ड विलियम बैंटिक एज फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया सो दिस यूनिट टू रिमेंबर इंपॉर्टेंट है थ्रू एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से यह भी आता है कि इंग्लिश वॉज मेड दी मीडियम ऑफ हायर दिस एजुकेशन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ मेकॉले इस तरीके से भी क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछा जा सकता है ओके okay? राइट सो दी नेक्स्ट सर चार्ल्स मैटकैट के टाइम चीज हुई कि उनको रिस्ट्रिक्शन का लोकल लैंग्वेज में बेसिकली प्रेस न्यूज पेपर वगैरह छापना मैगजीन छापना राइट तो जो है इनको लिबरेटर ऑफ प्रेस कहा जाता है फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है वो किसने करी थी सर चार्ल मेटक्लेके आफ्टर दैट केम लॉर्ड ऑकलैंड इन 1836 से 1842 फोर्टी ठीक है 1836 थर्टी से एटीन और इसमें इसमें टाइम पीरियड में कुछ इंपॉर्टेंट एज सच कुछ हुआ नहीं इट इज़ फर्स्ट एंग्लो अफ़गान वॉर हैपन ठीक है फर्स्ट एंग्लो अफगान जो वॉर है वो हुई थी ठीक है इन 1836 टू एटीन फोर्टी आपने ये चीज़ याद रखनी है ठीक है अब देखिए इसमें क्या है इसमें क्या है बेसिकली कि अब ब्रिटिशर्स को काफी ज़्यादा इसमें डिफीट आप कह सकते हो इसमें देखने को मिली थी ठीक है ब्रिटिशर्स की काफ़ी बुरी हालत जो है इस अफगान वॉर में हो गई थी तो इस तरीके से आप याद रखें कि ऑकलैंड है तो काफ़ी ऑकवर्ड पोजीशन हो गई थी फॉर ब्रिटिशर्स इन दिस वॉर ओके तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं नेक्स्ट इज वी हैव लॉर्ड एलन बोरो ठीक है लॉर्ड एलन बोरो के टाइम पे भी कुछ इंपॉर्टेंट हुआ नहीं 42 से 44 फोर टू ईयर्स तक जो है लॉर्ड uh, जो है एलन बोरो रहे थे इसने जो अफगान वॉर वॉर्ड विच स्टार्टेड हेयर एंडेड हेयर ठीक है एंड इन द टाइम पीरियड ऑफ एलन ठीक है एंड बोरोगेशन ऑफ सिंध सिंध की एन जो जो है है सिंध एरिया की 1843 में लॉर्ड बोरो के टाइम पे हुई थी कुछ इतना है कुछ है नहीं हो ठीक है यही हुआ कि सप्रेशन ऑफ चाइल्ड सेक्रीफाइस एंड फीमेल इन्फेंटिसाइड चाइल्ड सेक्रीफाइस कर दी जाती थी काफी ट्राइबल्स के टाइम पे ठीक है ट्राइबल के ट्राइबल्स थे यहाँ पे जो क्या करते थे चाइल्ड सेक्रीफाइस करते थे कहते थे कि मेल बॉय चाइल्ड जो है उसको सेक्रीफाइस कर दो तो जो मतलब कि जो ट्राइबल जो भी गॉड God, गॉडेस है वो बड़ी खुश होंगी ठीक है तो इस तरीके से चाइल्ड सेक्रीफाइस किया जाता था फीमेल इन्फेंटिसाइड तो किया ही जाता था तो ये सब सप्रेस खत्म करने की काफी ज्यादा कोशिश की लॉर्ड हार्डेंज ने इंपॉर्टेंट है और फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर इन एटीन फोर्टी सिक्स है टाइम ऑफ लॉर्ड हार्डेंस दिस इज इंपॉर्टेंट फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर मैंने आपको कहा कि जो ये जो जितनी भी वॉर्स हैं इनका टेबुलर फॉर्मेट में कि किसके किसके बीच में हुई थी कब हुई थी क्या ट्रीटी रही ये सब मैं आपको दे दूंगी ठीक तो है तो फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर जो 1846 में हुई विच एंडेड इन द ट्रीटी ऑफ लाहौर इन 1846 फोर्टी ठीक है और फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर का ही रिजल्ट है जो ट्रीटी ऑफ अमृतसर भी हुई थी इन एटीन ठीक है एटीन में ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुई थी जिसमें महाराजा गुलाब सिंह जो है उन्होंने जे एंड के जो है वो पूरा ब्रिटिशर्स से खरीद लिया था फॉर रुपीज सेवेंटी फाइव और सो ठीक है तो ये जो है ट्रीटी ऑफ

एज सच वे वॉट वी कैन से एडवांसमेंट वन स्टेप टूवर्ड्स एडवांसमेंट और मॉडर्नाइजेशन ठीक है काफ़ी ज़्यादा लॉर्ड अलहौजी ने किया और एक जो एक ही चीज़ मतलब जो इन्होंने इन फेमस चीज़ चीज की विच वॉज़ डॉक्टरिन ऑफ लैप्स जिसके लिए मतलब हम ये जो है लॉर्ड अलहौज़ी की जो गलत जो चीज़ थी जो इन्होंने की दैट वॉज डॉक्ट्रीन ऑफ लैप्स ठीक है विच रिजल्टड इन दी जो हम कह सकते हैं कि एक स्पार्क जो है हमारी फ्रीडम स्ट्रगल की ठीक है इंडियन नेशनल मूवमेंट जहां से स्टार्ट होता है 1857 फिफ्टी रिवॉल्ट ऑफ 1857 कहा जाता है जो पहली चिंगारी हमारी uh, in, मतलब इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की जो पहली स्पार्क जो पहली चिंगारी थी दैट वाज द रिवॉल्ट ऑफ 1857 ठीक है दैट वाज एक्चुअली द रिजल्ट ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो की थी लॉर्ड डलहोजी ने वो क्या था अभी हम आगे देखेंगे ठीक है तो लॉर्ड डलहोजी का टाइम पीरियड एटीन से एटीन काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें और भी हुई लॉर्ड डलहोजी के टाइम पे ओके okay? फॉर एग्जाम्पल इंट्रोडक्शन ऑफ पैसेंजर ट्रेन ट्रेन जो है वो इंट्रोड्यूस की लॉर्ड एलहोजी ने क्या की ट्रेन इंट्रोड्यूस की इंडिया में एटीन फिफ्टी थ्री में फ्रॉम बॉम्बे टू थाने पहली ट्रेन चली थी थर्टी फोर किलोमीटर इसका डिस्टेंस था और अराउंड फोर हंड्रेड लोगों ने ये जो है ये ट्रेन ट्रैवल किया था ओके सो इट हैपन आपने मेन जो है ये डेट याद रखनी है एटीन फिफ्टी थ्री और कहां से कहां तक हुई थी बॉम्बे टू थाने दिस यू यूनिट टू रिमेंबर ओके ये चीज आपने याद रखनी है इंपॉर्टेंट है ऑल राइट नेक्स्ट इज और नेक्स्ट इज फिफ्टी 1854 में देखिए 1854 में क्या हुआ कि अ न्यू पोस्ट ऑफिस एक्ट वॉज पास आपने याद रखना है 1853 में ट्रेन आई 1854 में पोस्ट ऑफिस आया ठीक है पोस्ट ऑफिस आया पोस्टेज स्टैम्प जो है पहली बार इशू की गई सेंट्रल पोस्ट डिपार्टमेंट बनाया गया जिससे क्या हुआ ब्रिटिशर्स को तो ऑब्वियसली ह्यूज प्रॉफिट हुआ और कॉमन लोगों को भी एक दूसरे को मैसेज करने में मतलब दे दे फेल्ट कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो थोड़ा हमारा बड़ा ठीक है कम्युनिकेशन सिस्टम जो है ये बड़ा तो इससे लोकल लोगों को भी काफ़ी अच्छा काफ़ी बेनिफिट हुआ और ब्रिटिशर्स को तो हुआ ही हुआ ठीक है ये जो ब्रिटिशर्स जो भी कर रहे थे ना ये कोई लोकल लोगों को देख के नहीं कर रहे थे कि भाई इनकी इंडियंस की सुख सुविधाओं के लिए हम ट्रेन बना दें या पोस्ट ऑफिस बना दें या टेलीग्राम लाइन बिछा दें ये बेसिकली सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए कर रहे थे कि भाई हमारा रॉ मटेरियल या हम आइए एक दूसरे से जाएं हम इनको एजुकेशन प्रोवाइड करें तो ये हमारे लिए ही सर्व करेंगे ठीक है इंडियंस तो ये आ, आ, बेसिकली देखा जाए हाँ कुछ इंडियन कुछ थे भी ब्रिटिशर्स जो सिंपथाइज करते थे बट ज्यादातर तो नहीं करते थे ये अपने ही बेनिफिट के लिए जितनी भी इन्होंने सर्विसेज दी हैं इंडिया में या जो बिल्डिंग्स बनाई हैं बड़ी बड़ी ये सारी इन्होंने अपने ही फायदे के लिए बनाई इंडियंस को, को देख के कुछ नहीं बनाया इन्होंने ठीक है ना तो ओके नाउ इन एटीन फिफ्टी फोर वॉट दे डेड कि लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया इसके टाइम पीरियड पे पोस्ट ऑफिस आया था पोस्ट ऑफिस एक्ट पास हुआ था ठीक है सेंट्रल पोस्ट डिपार्टमेंट बना था ओके सो दिस वॉज डन और राइट नाउ व्हाट हैपन कि जो बॉम्बे और कैलकाटा पोर्ट्स जो हैं इनको भी मॉडर्नाइज किया गया ठीक है एट द टाइम ऑफ लॉर्ड डलहोजी ओके नेक्स्ट व्हाट हैपन कि 52 में 1852 में इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस किया टेलीग्राफ सिस्टम इंट्रोड्यूस किया ठीक है टेलीग्राफ सिस्टम जो है मोर्स कोड के थ्रू एक जगह से दूसरे जगह मैसेज uh, कर सकते थे उस टाइम पे टेलीफोन लाइंस तो थी नहीं टेलीफोन लाइन्स तो आई नहीं थी तो टेलीग्राफ कोड जो है इससे काफ़ी क्विक मैसेज जा सकता था क्विक मैसेज ठीक है कुड पास एंड द फर्स्ट टेलीग्राफ सिस्टम जो है इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया फ्रॉम कैलकटा टू आगरा ड ओके क्रेडिटेड जो है मत, क्या है कि जो डलहोजी है उन्होंने पीडब्ल्यू डी डिपार्टमेंट जो की आज के डेट में भी है पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट वो बनाया पहले क्या होता था पब्लिक कंस्ट्रक्शन के लिए पहले क्या होता था जो भी पब्लिक कंस्ट्रक्शन है जैसे कोई ब्रिज बनाना है रोड्स बनाने हैं तो वो कौन बनाते थे मिलिट्री के जो लोग हैं जो आर्मी के जो लोग हैं बेसिकली जो मिलिट्री थी वही बनाते थी तो इट वाज क्वाइट मिलिट्री वाले जो थे उनके लिए तो बहुत ज़्यादा काम हो गया एक तो आ, मतलब डिफेंस भी देखो ठीक है और पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट भी देखो तो काफ़ी मतलब इनके लिए बहुत ज़्यादा बर्डन था ठीक है मिल्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा बर्डन था तो इसीलिए इसको रिलीज़ करने के लिए क्या किया एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया थ्रू इन डलहोजी ने बनाया पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट इंपॉर्टेंट है ये पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट बनाया डलहोजी ने ठीक है जिसमें जिसको मिलिट्री को जो रिलीव कर दिया गया फिर है से और जो ब्रिजेस हैं रोड्स हैं जो भी पब्लिक कंस्ट्रक्शन है वो कौन करेगा पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट करेगा ओके नेक्स्ट वॉज गोरखा रेजिमेंट्स जो हैं वो भी इस टाइम पे ही बनी थी ठीक है डलहोजी के टाइम पे उसके बाद जो शिमला है उसको परमानेंट हेडक्वार्टर बनाया गया इनफैक्ट शिमला को समर कैपिटल भी बनाया गया ठीक है उसके बाद इंपॉर्टेंट है कि 1854 में आया जी वुड्स डिस्पैच वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन दिस पॉइंट वुड्स डिस्पैच आया 1854 में ठीक है इसको मैग्नाकाटा भी कहा जाता है इंग्लिश एजुकेशन का इंडिया में ओके मैगना काटा का मतलब होता है जब कोई लीगली कोई चीज जब स्टार्ट हो जाए ठीक है उसको मैगना काटा कहा जाता है ओके okay? तो इंग्लिश एजुकेशन का मैग्ना काटा किसको कहा जाता है इन इंडिया वुड्स डिस्पैच को कब आया था एटीन फिफ्टी में आया था ठीक है इसमें क्या था कि प्राइमरी स्कूल से यूनिवर्सिटी लेवल तक पूरा जो एजुकेशन सिस्टम है उसको प्रॉपरली आर्टिकुलेट करना प्रॉपरली देखना कहां से प्राइमरी एजुकेशन टू टू यूनिवर्सिटी लेवल सॉरी ठीक है प्राइमरी एजुकेशन टू यूनिवर्सिटी लेवल जो है पूरा देखना है दैट वॉज डन थ्रू वुड्स डिस्पैच इन एटीन ओके ऑलराइट नेक्स्ट देखेंगे तो यूनिवर्सिटी एक्चुअली लंडन यूनिवर्सिटी मॉडल के बेसिस पे यूनिवर्सिटीज बनाई गई इन कैलकाटा बॉम्बे एंड मैड्रास दिस यू नीड टू सी इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया जो आज के डेट में आई आई टी रूढ़की कहलाता है ठीक है आई आई टी रुड़की जो है वो किसने इस्टैब्लिश किया था बेसिकली लॉर्ड अलहोजी के टाइम पे हुआ था लेकिन अगर हम बोले कि किसने उसके फाउंडिंग फादर कौन है तो ही वॉज जेम्स ही वाज जेम्स थॉमसन ठीक है जेम्स थॉमसन के नाम से ही ये जो आईआईटी रुड़की कॉलेज है ये पहले जाना जाता था जेम्स थॉमसन कॉलेज ठीक है ओके तो बेसिकली यहाँ पे क्या है पहले ये सिविल इसका हाँ सिविल इंजीनियरिंग कॉलेज होता था ठीक है देखिए जो भी कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्शन रिलेटेड काम है सिविल रिलेटेड काम है वो सारा पहले यहां पे ल, आ, मतलब बच्चों को या जो भी लोगों को यहां पे सिखाया जाता था ठीक है उसके बाद लेटर ऑन इट इट बिकेम आई आई टी रुर्की तो ये इस्टेब्लिश जो है ये जेम्स थॉम्सन ने किया था जेम्स थॉमसन कौन है टेने और उस टाइम लॉर्ड एलहोजी का ही था वही थे गवर्नर जनरल ओके लेकिन ये ही वॉज अपॉइंटेड एज लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस ठीक है तो ये जो जेम्स थॉम्सन कौन थे ये लेफ्टिनेंट गवर्नर थे नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस के बिटवीन एटीन फोर्टी थ्री टू एटीन फिफ्टी थ्री ठीक है सो फोर्टी थ्री से फिफ्टी थ्री तक ये क्या थे ये लेफ्टिनेंट गवर्नर थे नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस के टाइम पे और जब ये रुड़की का जो कॉलेज है जब ये जेम्स थॉमसन ने बनाया तो जेम्स थॉमसन एक्चुअली जे, जेम्स थॉमसन ने और भी बहुत काम किया है प्राइमरी एजुकेशन को लेके बड़े सारे स्कूल्स इसने इस्टैब्लिश करवाए थे वर्नाक्यूलर लैंग्वेज में भी इसने स्कूल जो है वो इस्टैब्लिश करवाए थे जेम्स थॉम्सन ने एजुकेशन के लिए काफ़ी काम किया था अपने एरिया में जो भी नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में एक इनके काम था लेफ्टिनेंट गवर्नर का जेम्स थॉमसन का तो ही डिड ठीक है ये ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर थे बड़ा काम किया इन्होंने एजुकेशन को लेके ठीक है एंड वन ऑफ हिज वर्क इज ये जो रुड़की में जो बना था कॉलेज uh, और एट प्रेजेंट इट इज आई रुड़की उत्तराखंड में है ठीक है ओके डलहोजी के टाइम पे क्या हुआ रीमैरिज ऑफ विडोज वॉज लीगलाइज बाई विडो रिमैरिज एक्ट एटीन फिफ्टी सिक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है विडो रिमेरेज एक्ट हुआ जिससे कि लीगली जो जो कि विडोज हैं वो फिर से रीमैरिज कर सकें ठीक है तो यह हुआ एंड ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ ईश्वर चंद विद्यागर ऑल्सो ईश्वर चंद विद्यागर जो है बड़ी इंपॉर्टेंट बड़ी प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी है उनको अच्छे से मैं बाद में डिस्कस करूंगी जब मैंने आपको जैसे बताया राजा राम मोहन राज जी को हम डिस्कस करेंगे आफ्टर दैट हम ईश्वर चंद विद्यागर जी को भी डिस्कस करेंगे विडो रिमेरेज एक्ट के लिए उन्होंने काफी काम किया एंड यू कैन से विद द कंबाइंड एफर्ट ऑफ विश्वचंद्र विद्यासागर एंड लॉर्ड डलहोजी दिस केम इंटू फोर ये विडो रिमेरज एक्ट ऑफ एटीन फिफ्टी सिक्स वॉज पास ये चीजें याद रखनी है आपने विडो रिमैरिज एक्ट एटीन फिफ्टी सिक्स ईयर भी याद रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट किसके टाइम पीरियड पर हुआ था लॉर्ड डलहोजी के टाइम पीरियड पर हुआ था नाउ बर्मीज वॉर हुई मैंने आपको बताया फर्स्ट बर्मीज वॉर हुई थी ठीक है एंड एंड नाउ

नाउ दिस केम ये जो है इनफेमस डॉक्टर ऑफ लैप्स जो है इससे क्या किया डलहोजी ने डॉक्टर ऑफ लैप्स जो है ये इसकी एनेग्जेशन पॉलिसी थी डलहोजी की अब इसने क्या करना था जगहों को एनेक्स भी करना था अपने और एम्पायर जो है वो बढ़ाना था उसकी वजह से इसने क्या किया डॉक्टर ऑफ लैप्स स्टार्ट किया देखिए डॉक्टर ऑफ लैप्स जो है ये एक एनेग्जेशन पॉलिसी थी जो लॉर्ड डलहोजी ने बनाई थी इस डॉक्टरी में डॉक्टर ऑफ लैप्स में क्या था कि जो भी प्रिंसली स्टेट्स हैं ठीक है जो भी प्रिंसली स्टेट्स हैं या जो भी टेरिटरी हैं ठीक है थीके, जो कि डायरेक्ट इन्फ्लुएंस में है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की कंपनी की उनमें क्या था कि देखिए क्या है बेसिकली कि अगर किसी का अपना मतलब अपना सन नहीं है ठीक है अपना सन नहीं है या फिर ऐसा बंदा रूल कर रहा है जो उनको लगेगा कि इनकैपेबल है ऐसी टेरिटरी को ऐसा बंदा रूल कर रहा है जो उनको लगेगा इनकैपेबल है या जिसका अपना बेटा नहीं है तो जो गोद लिया हुआ बच्चा है वो जो है उसको उस जगह को मतलब उसकी हेरिडिटी वो जगह नहीं हो सकती ठीक है गोद लिया हुआ बच्चा जो है वो उस जगह को रूल नहीं कर सकता और अगर उनको लगेगा कि कोई किंग जो है वो इनकेपेबल है उस जगह को भी वो एनैक्स कर लेंगे तो दिस वॉज एक्चुअली कि अगर कोई जो किंग है वो इफ ही डाई ठीक है तो उसका जो डायरेक्ट हायर है वो कौन वो आ, मतलब जो उसका अगर अपना ब्लड जो है वो नहीं है तो वो डायरेक्ट हायर नहीं हो सकता तो दिस वॉज डन

कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स आए थे बिफोर एटीन फिफ्टी सेवन अब जो नेक्स्ट है हमने एटीन फिफ्टी सेवन रिवॉल्ट पढ़ना है ठीक है जो पहली स्पार्क थी इंडियन इंडिपेंडेंस की दैट विल स्टार्ट बट बिफोर रिवॉल्ट ऑफ एटीन फिफ्टी सेवन एटीन फिफ्टी सेवन के रिवॉल्ट में ही मैं क्या करूंगी डॉक्टर ऑफ लैप्स हम एक बार फिर से डिस्कस करेंगे क्योंकि डॉक्टर ऑफ लैप्स वॉज द मेन रीजन for you can say it was one of the there were many reasons and one of the reason was doctrine of lapse by lord dalhousie that this 1857 revolt happened okay or before 1857 jobi constitutional reforms regulation act هاي, चार्टर एक्ट आए इन पे क्वेश्चन आता है कि किस चार्टर एक्ट के क्या क्या फीचर्स थे इस तरीके के हमसे क्यों पूछे जाते हैं ठीक है तो वट आई डू इज इजीट्यूशन रिफॉर्म्स 1857 के जितने भी जिससे पहले जो भी कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स थे उसकी एक लेक्चर में आई एल डू दैट ठीक है उसके बाद फिर हम एटीन का रिवॉर्ड जो है वो स्टार्ट करेंगे ओके नाउ आफ्टर दैट वट आई एल डू इज आफ्टर दैट हम स्टार्ट करेंगे आ, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे विद द वॉइस राइज ठीक है वॉइस राइज स्टार्ट करेंगे ऑलराइट right. तो देखिए वॉइस राइज की अगर मैं बात करूं तो लॉर्ड

दिस गवर्नर जनरल एंड फर्स्ट वॉइस रॉय ऑफ इंडिया ठीक है तो ये आपने याद रखना है लॉर्ड कैनिंग का लॉर्ड कैनिंग जो है ये जब मैं वॉइसराइज करवाऊंगी वॉस राइज की हम सीरीज चलाएंगे वॉस राइज कराऊंगी मैं उसमें मैं आपको लॉर्ड कैनिंग जो है सबसे पहले लॉर्ड कैनिंग हम डिस्कस करेंगे फ्रॉम एटीन टू 1862 ठीक है कि ही वाज दी लास्ट गवर्नर जनरल एंड दी फर्स्ट वॉइस रॉय आपने याद रखना है लॉर्ड कैनिंग ठीक है लेकिन जो नेक्स्ट लेक्चर है वो आएगा कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स पे उसके बाद हम रिवॉल्ट ऑफ एटीन डिस्कस करेंगे ओके सो दिस वॉज ऑल अबाउट टू लेक्चर तो सी यू वेरी सोन विद द नेक्स्ट लेक्चर टिल देन टेक केयर बु बाय